राजधानी दिल्ली में चौधरी सुनील सिंह के नेतृत्व में मेरठ, अलीगढ़ के किसान दिल्ली पहुंचे। इनकी मांग है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने व अपनी एमएसपी की मांगों को लेकर आज हजारों को संख्या में किसान घाट पहुंचने की कोशिश करी, लेकिन इन किसानों को जगह जगह रोका गया और इन्हें दिल्ली के किसान घाट में घुसने की परमिशन नहीं मिली। कुछ ही गाड़ियों को जाने दिया गया। किसान घाट पहुंचकर सुनील सिंह ने समाधि पे पुष्प अर्पित करते हुए मीडिया से रूबरू होते हुए बताया, अलीगढ़ और मेरठ से हजारों की संख्या में किसान चौधरी सुनील सिंह के नेतृत्व में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिलाने के लिए और अपनी एमएसपी अपनी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने को लेकर हजारों की संख्या में किसान घाट पहुंचे। इनके जन सैलाब को जगह जगह रोका गया, आखिरी में किसान घाट तक नहीं पहुँचे दिया गया। काफी मस्त के बाद कुछ गाड़ियों को किसान घाट जाने की इजाज़त मिली। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को है। जयंती से पहले ही लोकदल की तरफ से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र भेजा गया है। 23 दिसंबर तक दिल्ली में किसानों से चौधरी चरण सिंह के जयंती पर 5000 गांव से किसान बड़ी संख्या में किसानों दिल्ली पहुँचे। चौधरी चरण सिंह के संदेशों को जन जन तक पहुँचाना है। साथ ही लोकदल ने केंद्र सरकार से मांग है कि चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सरकार किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर भारत रत्न देकर उन्हें सम्मानित करे। इन शहरों से किसान दिल्ली के किसान घाट पहुंचेंगे। शामली, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, मेरठ और गाजियाबाद। चौधरी सुनील सिंह ने कहा है कि किसानों के हितों के लिए संघर्ष जारी है। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में बड़े काम किए हैं। हम उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लोकदल हमेशा किसानों का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, संख्या तो हमारी सब लोगों की रोक दी। किसान का जो यंत्र है, जो कृषि यंत्र है, वो ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर से ही आज के समय में हल चलाता है, ट्रैक्टर से ही खेत जोतता है, ट्रैक्टर से ही बीज बोता है, ट्रैक्टर से ही फसल उगाता है। और किसान की मारुति या मर्सिडीज ट्रैक्टर ही है। और दिल्ली, वो दुर्भाग्य की बात है कि वो दिल्ली नहीं आ सकता। हजारों की तादाद पर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टर आए और उन सबको रोक दिया। उसके साथ साथ सारे किसान भाई स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5000 गाँवों से माटी और मिठाई लेकर आए थे, जो यहाँ पर पहुँच नहीं पाए, ये बड़े दुख की बात है। अगर आप कार खरीदते हैं तो आप रोड टैक्स देते हैं। मैं सरकार से पूछता हूँ, जब हम लोग ट्रैक्टर खरीदते हैं तो ट्रैक्टर पे भी तो हम लोगों ने रोड टैक्स दिया, तो क्या हम लोगों को दिल्ली में आने का हक नहीं है? अगर हम सब लोग दिल्ली नहीं आ सकते तो एक दिल्ली हमारे उत्तर प्रदेश में बनवा दो, हम क्यों दिल्ली आएंगे? स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी दूसरों के लिए, भारत सरकार के लिए एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हम किसान भाइयों के लिए वो एक मसीहा थे, मसीहा हैं और मसीहा रहेंगे। और भारत रत्न तो उनके लिए एक बहुत छोटा सा सम्मान है। अगर सरकार उसी को नहीं दे पा रही, पश्चिम उत्तर प्रदेश गवाह है, इतिहास गवाह है। कोई भी नेता, राजनेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाता हो, ऐसा कोई नेता नहीं है जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के गले में माला अर्पण न करता हो, या चुनाव की या वोटों की या कोई मीटिंग की शंखनाद करने से पहले वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पैर छूता है। वो दिन दूर नहीं रहेगा जो सबको याद दिलाएगा किसान इतना सरल है, वो पानी की तरह सरल है, कि वो ऐसा उसके साथ ना करो कि उसको चट्टान बनने पे मजबूर कर दो। जब आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाते हो, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हो, तो उसे उनको कम से कम उनका सम्मान दे दो। ये मेरी आवाज़ नहीं, ये पूरी लोकदल पार्टी की आवाज़ है, ये पूरे किसान परिवार की आवाज़ है। जी बोलिए, क्या मामला है? इस देश का किसान 13 महीने दिल्ली की सड़कों पर बैठा रहा था। केंद्र सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी को कानून बनाएगी। 2 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, एमएसपी कानून का रूप नहीं लिया। तो आज देश का किसान चौधरी चरण सिंह की जयंती पर चाहता है कि किसान को एमएसपी का कानून मिले, और क्योंकि एमएसपी का कानून नहीं बनेगा तो किसान का ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा।
आज हर चीज महंगी होती जा रही है, सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 500 गुना बढ़ती है, सोने का दाम बढ़ता है, लेकिन किसान का मूल्य नहीं बढ़ता फसल का। MSP को कानून बनाया जाए, लोक दल की ये मांग है, और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसी दल के नहीं, एक इस पूरे आज सारी पार्टियां, मोदी जी भी जाते हैं तो चौधरी साहब का नाम लेते हैं, कांग्रेस भी नाम लेती है, तो जो नेता दलों से ऊपर उठ जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, लोगों के दिलों में राज करता है। तो आज चौधरी साहब को किसान भारत रत्न देने की मांग लोक दल परिवार कर रहा है और कह रहा है कि चौधरी साहब किसी पार्टी के नहीं बल्कि देश के किसानों के मसीहा थे, इसलिए चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो मांग कर रहा है केंद्र की सरकार से कि किसानों को के मसीहा चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए और MSP को कानून बनाकर जो आपने वादा किया उसे पूरा करे, अन्यथा MSP नहीं तो वोट नहीं, लोक दल का ये कहना है। देखिए, अगर भारत रत्न नहीं दे सकते तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चौधरी साहब का फोटो लगा के चुनाव में वोट नहीं मांगने चाहिए। अगर भारत रत्न नहीं दे सकते तो फिर चौधरी साहब का नाम लेके क्यों मेरठ और जब पश्चिम में मोदी जी रैली करते हैं तो चौधरी साहब का नाम लेते हैं। तो अगर चौधरी साहब किसी पार्टी नहीं बल्कि पार्टियों से ऊपर उठ के किसानों के मसीहा थे, इसलिए हमारी मांग है कि भारत रत्न दिया जाए, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चौधरी साहब के साथ रहे अटल जी को भारत रत्न दिया जा सकता है, तो चौधरी साहब का कद अटल जी से कहीं ऊँचा था देश की राजनीति।